से लेके यहाँ तक गैस लगा दिया। बाय। और इधर ये रोड सिलीगुड़ी नहीं जाता, सिंगथाम तो जा सकते है ना। तो हेलो भाई लोग, आज है संडे, संडे नहीं है सैटरडे है भाई। बहुत दिनों के बाद मैं जंगल से निकला हूँ भाई, बहुत दिनों के बाद ऑफिस से टाइम मिला है। काम ख़त्म करके आज तो सोया ही नहीं भाई, और रहा नहीं गया मेरे से, तो आज भाई निकल गया। और आप लोग गेस करो कहाँ जाएंगे। अभी हम लोग जस्ट सिक्किम तीस्ता बाजार क्रॉस करके रुके हैं, और हमारे साथ है रौनक। बहुत प्लान के बाद आज जा रहे, तो आप लोग गेस करो कहाँ जाएंगे। और मेरे साथ मेरा वाइफ, तो हम तीन लोग जा रहे। ये देखो भाई, ये बाइक देखो भाई, 12-15 साल पुराना बाइक है भाई। चलो तो आप लोग गेस करो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, बाकी तो बताएंगे आपको। मैप वगैरह लगा लिया, ये फ़ोन पे तो भाई 6 महीने के बाद आज रिचार्ज किया है मैप के लिए। राइट तो चालू हो गया बहुत पहले ही, बट मैं भाई राइट का मज़ा ले रहा था, वीडियो नहीं बनाया, बट अभी लग रहा था भाई वीडियो बना लेता हूँ। बहुत टाइम से राइट का ही मज़ा लेते जा रहा हूँ, और रोड कुछ देख सकते हो भाई इस प्रकार है। और इसके साथ अपना पूरा सेटअप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा पता नहीं है तो मैप का जरूरत है मुझे। भाई मस्त कॉर्नरिंग भी है, ओ भाई भाई। अभी हम लोग कुछ ऐसा जगह पे रुके हैं, और यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी बन रहा है, ये देख सकते हो पूरा शक्कर डाला हुआ पूरा। पे गैस लगा दिया, ये देख सकते हो। रोड साइड पे बन रहा है अपना कॉफ़ी। Two hours later. अभी हम लोग पहुंच गए नामची, और यहाँ पे बाइक वगैरह पार्क करेंगे। लोग आ गए तेमी टी स्टेट, ये एक्चुअली सिक्किम में आता है,
बहुत खूबसूरत है, बट यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा फॉगी है, सडनली क्लाइमेट चेंज हो गया। तो हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, वेदर बारिश वाला वेदर है, पूरा बारिश हो रहा है। और यहाँ पे अपना बाइक, ये होटल पे हम रुके थे कल रात को, बुद्धा व्यू होम स्टे जंबो। ये देखो क्या कर रहा है, सो रहा है। तो ऐसा कुछ जगह पे थे, ये बुद्धा पार्क के एकदम सामने ही है। अच्छा होटल है, 1200 पर रूम के हिसाब से थे और खाना अलग से था। ये रोड पे हम गए थे कल, फिर आके फिर रिटर्न होके यहाँ पे ही रुक गए। और ये अपना छोटे, हेलो क्या नाम है भाई, कैसा लग रहा है बारिश में चला गए, मजा आ गया। एक एडवेंचर बाइक या पावरफुल बाइक ही चाहिए एडवेंचर करने के लिए, पर हमने भाई कल देखा ये बाइक पे आया है, आज भी हम जाएंगे, बारिश में आज परफॉर्मेंस होगा पूरा। ये एक 110 सीसी 10-12 साल पुराना बाइक है, हम क्यों चला रहे हैं वो अलग बात है, बट एक टेस्ट है कि क्या ये बाइक KTM के साथ चल पाएगा पीछे पीछे। नहीं भाई, चल के आ गए भाई, आज इनका दिखाएंगे। बाकी बाइक भाई बहुत सही है, इतना पुराना बाइक है और मतलब बाइक का इंजन इतना सही है ना भाई, इसका यामा इंजन जो है अभी भी रिलायबल है, अभी तक खोला नहीं गया है। हाँ थोड़ा एस्थेटिकली पेंट वेंट चाहिए, बट इसका इंजन के ऊपर रिलाय करके मैं सिक्किम तक आया हूँ, एंड होपफुली अभी सिलीगुड़ी भी जाएंगे हम लोग। आज घूम के जाएंगे भाई इधर उधर, पहले देखेंगे आसपास कोई प्लेस रहेगा कोई घूमने लायक तो वहाँ पे देखेंगे जाएंगे। और क्या अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे एक दो घंटे में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो ये बारिश। मैं तो होटल पे टेरेस पे आए हैं और यहाँ से व्यू भाई कुछ अलग ही दिखता है, दिखा देता हूँ। ये लो, ये देखो व्यू भाई, पूरा 360 व्यू मिलेगा आपको माउंटेन वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये अपना बुद्धा पार्क, क्या अमेजिंग लग रहा है। यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स है, वाटरफॉल वगैरह हम जाएंगे घूमने, तो आपको उसके बारे में भी दिखाते हैं कहाँ जाएंगे, ये रोड कहाँ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे रह सकते हो, ये होटल पे होम स्टे एक्चुअली है, होम स्टे पे रह सकते हो, अच्छा है। बाकी भाई नज़ारा भाई कुछ अलग ही लग रहा है। लोग जा रहे हैं बुद्धा पार्क के अंदर, दिखाते हैं आपको। और वेदर देख सकते हो, फुल फॉगी वेदर है। और ऐसा है कुछ बुद्धा पार्क का गेट। और भाई आप लोग कमेंट्स करो वीडियो कैसा लग रहा है। आज थोड़ा मज़ा वाला रिलैक्स वाला राइड था। और अभी जाएंगे मतलब ऐसे फॉग के अंदर से जाएंगे, यहाँ पे टिकट वगैरह लेना पड़ता है शायद। यहाँ से टिकट ले लो, ये है टिकट काउंटर। फॉरेनर्स के लिए 200, इंडियन के लिए, लोकल्स के लिए 80 रुपीज़, डिफेंस एंड फोर्स में रहते हैं उनके लिए 50 रुपीज़, स्टूडेंट 20। फ्लाइंग ड्रोन कैमरा, चार्जर्स आप लेके आके उड़ा सकते हो, वीडियोग्राफी सब चलेगा, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, बस परमिट लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भाई ये रवंगला का मैप है, तो यहाँ पे कहीं पे भी जाना है तो आप ये बुद्धा पार्क के अंदर आपको मैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे सराउंडेड कौन सी जगह घूमने लायक। हम लोग अभी यहाँ पे है तो हम लोग ऊपर से होके ये टाइटैनिक पार्क की तरफ जाएंगे, जहाँ पे एक दो व्यू पॉइंट है, मोनेस्ट्री है, वो सब विजिट करेंगे। और फिर वो रास्ते से फिर रावांगला होके फिर हम लोग नीचे जाएंगे।
कि यहाँ से हम साइनिंग ऑफ कर रहे हैं, अभी आएंगे नेक्स्ट, कभी टाइम हुआ पहली बार आए थे, बहुत अच्छा मज़ा आया रावंगला में, सच में बहुत अच्छा जगह है। और ये था भाई हमारा होम स्टे जहाँ पे किए थे, और वहाँ से ही वो ऊपर से टेरेस से वो व्यू आता है। यहाँ से राइट से देखोगे तो आपको बुद्धा पार्क दिखेगा, ये है भाई बुद्धा पार्क। तो बाइक अपना रेडी हो गया, अभी यहाँ से जाएंगे एक डेढ़ घंटा अंदर घूमेंगे, फिर यही रोड से रिटर्न होके हम नामची होके जाएंगे। चलो दादा भाई, ये रहा बुद्धा पार्क जो अपना होम होटल से एकदम सामने ही है। तो ये भाई बोलो ना, आज के बिस्टी हो ऑफ रोड करे मजा आएगा भाई। मॉनेस्ट्री मिल गया हमको। ओ भाई बच्चे लोग इधर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो भाई अभी साइनिंग ऑफ कर रहे हैं रामांगला से, और ये है बुद्धा पार्क। Let's go home, buddy. Bye bye. Siliguri, Namchi. Namchi इधर से जाना पड़ेगा, और इधर ये रोड सिलीगुड़ी नहीं जाता? सिंगथाप तो जा सकते ना? तो चलो दिखते मेरे दी। Thank you. Kalimpong का अटल टनल। वाह, ये कौन सा फ्लाईओवर है पता नहीं, मस्त लग रहा है। ये कुछ टनल है भाई, पता नहीं नया टनल दिखा, हम लोग इधर से नहीं आए थे, बट अभी रोड कुछ दूसरा लेने वाले हैं हम लोग, अभी देखना पड़ेगा कौन सा रोड जाता है सिलीगुड़ी। ओ भाई तो भाई सिंगथम पहुंच गए, और इधर भाई गर्मी बहुत है, इधर पे रोड बन रहा है इसलिए ऐसा है भाई रोड का सिचुएशन। और दो घंटे लगेगा भाई घर पहुंचने को, और ब्लॉग भाई बड़ा नहीं करते, और यहाँ पे एक ब्लॉग को एंड करते हैं। तो भाई ब्लॉग में कोई भी चीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो भाई डू सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कर देना, और मैं घर की तरफ जाता हूँ और मिलता हूँ भाई फिर से दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।